राजस्थान में वन टीबी नामक एक गांव है, यहां पर मीर जाति के लोग रहते हैं। यहां पर ये खेती बाड़ी करते हैं और गायन करते हैं। इन लोगों का मूल पेशा सूफियाना गायन है, लेकिन आज ये अपने जाति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इन सारी चीज़ों को लेते हुए यहां पर मीर जाति का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये विचार किया जा रहा है अपनी सूफियाना गायकी को कैसे बचाया जाए। ये अल्पसंख्यक समुदाय है, ये लोग अपने को इस्लाम धर्म से जोड़ते हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देवबंद से आए मौलवियों ने इस क्षेत्र के कई गांवों में सूफी गायन पर विरोध प्रकट किया। इन मौलवियों का कहना है सूफी गायन इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो मना करने का जरिया हमारे लिए बहुत दिक्कत हो चुकी है कि हमारा रोजगार रुकता 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 रुक गया। अब ना तो हम मजदूरी कर पाते हैं और ना कोई मजदूरी ऐसी है जो हम कर पाए। हमें पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं मिला कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हम अपना रोजगार भी चला सकें। जब कोई तो अभी जब खेती में हो गया कोई कोई गाने बजाने में हो गया तो खेती भी कोई गाड़ी चलाने लग गया तो कोई नौकरी लग गया तो फिर गायकी का क्या होगा? गायकी का जिसको दिल में शौक है ना वो तो गाता ही अभी गाता है। तो अभी हमारी कमेटी बनी है, इसके अंदर 31 लोग हैं जो इस पे गांव-गांव में जा करके एक दूसरे से संपर्क बनाएंगे, जो मीर समुदाय के लोग हैं वो उनसे और जो श्रोता लोग हैं उनसे और बाकी जो गाँव की समस्याओं के बारे में वो भी जानकारी लेंगे और उसके विषय में काम ये करेंगे। दर्दा दिमारी ओ दिलड़ी अली ले सोहना न सुनदा दुखा दी अपीले। ये मीर जाति के लोग आज अपने अस्तित्व की तलाश में इस जगह पे एक साथ इकट्ठा हुए, इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने अंदर बदलाव लाया जाए ताकि लोगों के बीच में ये फिर से लोकप्रिय हो सके और इनका गुजर बसर हो सके। मैं राजस्थान से अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए।